वेलकम टू फूड ट्रैली फूड ट्रैवल लाइफस्टाइल। और आज है एक दूसरा वीकेंड और हम दोनों निकल चुके हैं सुबह के 7 बजे टुवर्ड्स काजीरंगा। तो काजीरंगा इसलिए क्योंकि यहाँ पर बहुत फेमस है एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आपको सबको पता है इंटरनेशनल फेमस है फॉर राइनोस। तो हमने ज्योग्राफी में पढ़े थे लास्ट टाइम, आपने देखा होगा हम पोबितरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गए थे, वहाँ पे भी हमने राइनो देखा बहुत नज़दीक से। तो ये काजीरंगा थोड़ा नया होने वाला है क्योंकि हम यहाँ पर वीकेंड के 2 दिन रहने वाले हैं इन ए कैंप लोकेशन ऑन ए टी स्टेट, और जो कैंप थोड़ा ग्राउंड के ऊपर होगा हाँ, तो वो एक डिफरेंट है। तो ऐसा वाला टी स्टेट के बीचों बीच एक कैंपिंग हमने कभी किया नहीं था, तो ये थोड़ा नया होने वाला है और आप हमारे साथ बने रहिए। काजीरंगा गुवाहाटी से अराउंड 220 किलोमीटर हाँ, बोल दो मेरा साइज हाँ, है 220 किलोमीटर जहाँ हम रह रहे हैं गुवाहाटी में, तो हमें 4 घंटा लगने वाला है। हमने सोचा हम सुबह जल्दी जाएंगे बट अनफॉर्चुनेट लेट हो गया क्योंकि कल रात को बारिश हो गई थी, बहुत भयंकर बारिश हुई थी, तो थोड़ा हम ठंड बहुत ज़्यादा थी तो इसलिए हम थोड़ा लेट हो गए। और वैसे भी हम आज निकल चुके हैं, ऑन द वे ही हैं, हमने अभी हवा पानी गाड़ी में भर दिया है तो अभी सीधा निकलते हैं। हाँ, बीच में रुकेंगे ऑफकोर्स चाय के लिए उसके बाद धीरे धीरे चलते जाएंगे। और काजीरंगा में हम बहुत सारे अलग अलग चीज़ें भी हम घूमने वाले हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जाके वापस आ जाएंगे। तो देखते हैं पर क्या क्या खाने के लिए मिलता है और वहाँ का क्या क्या लोकल फूड है। और हमने ये सोचा है कि आज इस बार कुकिंग नहीं करेंगे, और जो कैंपिंग हमने लोकेशन बुक किया है तो वहाँ पर वो उन्होंने कहा कि हम वो लोकल फूड वहाँ का खिलाएंगे, तो देखते हैं कि वहाँ का लोकल फूड का टेस्ट कैसा होता है। तो चलिए अभी निकलते हैं यहाँ से, ज़्यादा बोर नहीं करेंगे, रास्ता एन्जॉय कीजिए और स्टे पहुँचते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो मैं आ गया हूँ एज एक्सपेक्टेड अपने चाय लेके, रश्मिता खाली हाथ। मैं अपना बिस्किट खा चुकी हूँ एंड अगेन बहुत अच्छी चाय, और एक असम का टी लीव्स थोड़ा अलग टेस्ट रहता है सबको पता होगा। तो हम अब जा रहे हैं टी स्टेट में ही रुकने के लिए, वहाँ पे देखते हैं कैसा चाय मिलता है। यहाँ पे तो ऑब्वियसली अच्छा ही चाय मिलता है, चाय बहुत अच्छा मिलता है यहाँ पे और वेदर सुपर है। सॉरी, कल बारिश हो गई थी तो वेदर बहुत ही सुहाना है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये एक हाईवे के नज़दीकी मतलब मैं रुका हूँ चाय पीने के लिए, तो सोचा 2 कप चाय पिया जाए फिर निकला जाए आगे। और अभी हो चुका है ऑलमोस्ट 8:30 पर मतलब ठंड फिर भी है। हाँ ठंड है लेकिन इसलिए मैंने जैकेट पहन लिया, ठंड बहुत है बाहर, अच्छा लग रहा है, अच्छा वाला ठंड है। तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर से रास्ते पे। अभी सुमित जहाँ पे चाय पे वो दीदी इतने अच्छे हैं, वो बोले आप चाय नहीं पीते? मैंने कहा नहीं पीते, तो बोले ओके ठीक है, वरना तो मैं ज़बरदस्ती पिला देती उसके लिए। वो क्या ओके ठीक है चाय नहीं पीते हो तो मेरे तरफ से एक चॉकलेट ले लो, तो मुझे एक वो चॉकलेट भी दिए खाने के लिए। तो बहुत टाइम के बाद इतने अच्छे से कोई मतलब बहुत टाइम के बाद है मतलब ऐसे रोड पे जब आप मिलते हो और इतने अच्छे से कोई आपको ग्रीट करता है तो बहुत अच्छा लगता है ना सुमित? मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मतलब चाय तो अच्छा था ही लेकिन लोग इतने अच्छे हैं ना, तो मुझे लगा कि और भी कुछ वहाँ से खरीद लो। हम नाश्ता भी करते लेकिन क्या कि अभी मतलब चाय पीने से पहले हमने कुछ खा लिया रास्ते पे, तो और भूख नहीं इतने, तो वहाँ पर नाश्ता भी करते, वो बहुत वेलकमिंग थे, वो से बात करते कहाँ से आप आए हो और कहाँ पर रह रहे हो और कहाँ जा रहे हो, अच्छा तो यहाँ जाओ वहाँ घूमने जाओ ये अच्छी जगह है, मतलब बहुत सारे मतलब इन्फॉर्मेशन वो अपने तरफ से ही दे रहे थे। और मिठाई कहाँ पर मिलती है, दही कहाँ पर अच्छा मिलता है, तो ऐसे बहुत अच्छा लगा। और हम एक चीज़ नोटिस किए, कोई भी मतलब जहाँ जिसको भी हम मिल रहे हैं इन दिनों
जो भी आप बोलते हैं क्योंकि आप घूमने आए हो, तो वो खुद से ही बहुत सारे जगह सजेस्ट करते हैं कि आप यहाँ जाओ वहाँ जाओ, तो अच्छा लगता है कि चलो टूरिस्ट को भी वो हेल्प करते हैं, तो विच इज़ गुड। अभी हम और 80 किलोमीटर्स दूर हैं हमारे जो कैंप साइट लोकेशन जो हमने बुक किया है। मौसम सुहाना है, धूप अभी निकली है, सुबह तो आपने देखा कैसा कोहरा कोहरा सा था, अच्छा भी लग रहा था, चाय पीने के बाद थोड़ा एनर्जी ज़्यादा ही भर गया अंदर। और अभी हमने देखा रास्ते में एक जगह एक कार पलट गई थी, आपने भी देखा होगा। लकी बात यह कि किसी को कुछ चोट नहीं लगी, सब सेफ हैं, गाड़ी टूट गई थी बट दैट्स फाइन, वो तो वापस बन ही जाएगा। अभी हम सोच रहे हैं कि अभी जाके फटाफट चेक इन करके हम वाटरफॉल निकल जाएंगे। वाटरफॉल निकलने के बाद वहाँ एक थोड़ा टाइम बिताएंगे, फिर देखेंगे आगे का प्लान कैसे बनता है। जी दोस्तों, तो अभी हाईवे से हमने राइट ले लिया यहाँ से, और 1 किलोमीटर है हमारा कैंपिंग जो हमने बुक किया, सॉरी, और जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था दोनों तरफ टी स्टेट है, दोनों तरफ टी स्टेट है और टी स्टेट के अंदर हमारा कैंप है। और ये अभी से इतना अमेजिंग लग रहा है एक्साइटमेंट के मारे, मैं और भी सोच रहा हूँ कि यहाँ पर शायद एक रात काफ़ी नहीं होगा, 2 रात रहना पड़ेगा। मतलब अभी ऐसा दिख रहा है, अब शाम को सोचे कैसा दिखेगा। तो अभी हम जाएंगे कैंप में, वहाँ उनसे बात करेंगे ऑफिस में, और वाटरफॉल किस डायरेक्शन में है एक बार फिर से पूछ लेंगे। और आज हमें पता चला कि आज प्रेसिडेंट आने वाले हैं यहाँ पे काजीरंगा, तो वो शायद कुछ रोड्स रास्ता ब्लॉक हो सकते हैं, तो उसके हिसाब से हमें प्लान करना पड़ेगा कि हमारा जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो विज़िट आज हो पाएगा कि नहीं, इफ नॉट देन टुमारो कब हो पाएगा, वो सभी डिटेल्स निकालना पड़ेगा। दोस्तों, तो अभी हमने चेक इन कर लिया मोइना से, जो वहाँ के ओनर हैं हमने उनसे बात कर लिया, और जैसे हम प्रॉपर्टी के अंदर गए हम तो मतलब मेस्मराइज हो गए, क्योंकि वो जो हिल है, हिल के नज़दीक वो टी प्लांटेशन है, और टी प्लांटेशन उनका खुद का है, और वहाँ पर उन्होंने लगभग 25 से 30 टेंट लगा के रखा है। ऐसे नहीं कि नज़दीक नज़दीक है, बहुत डिस्टेंस में है। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि कुछ ऐसा वाला लोकेशन हमें दो, क्यों जो व्यू अच्छा मिले इवनिंग का और मॉर्निंग का। मतलब बोलते ना ग्रीडी लोग हैं, वैसे भी सारे व्यू अच्छा है। नहीं नहीं, वो जो बोले फिर भी और एक थोड़ा दूर से ऊपर होना चाहिए। वो जो लोकेशन उन्होंने बोला वो व्यू बहुत ही अच्छा, उसके सामने और कुछ नहीं है, सिर्फ प्लांटेशन और हिल का व्यू मिलता है। तो अभी हम आपको प्रॉपर्टी तो नहीं दिखाएंगे, क्योंकि हमने जैसे कहा था कि हम वाटरफॉल जा रहे हैं, यहाँ से एक 11 किलोमीटर दूर है, 16 मिनट्स का रास्ता है बाई कार। उन्होंने वो बालुकजुरी वाटरफॉल वो नज़दीक ही है यहाँ से, वहाँ जाके आएंगे। और उन्होंने कहा कि यार बाम्बू चिकन बनने वाला है, जो कि एक लोकल डेलिकेसी है यहाँ का, असम का, और मैं बहुत दिनों से वेट कर रहा था बाम्बू चिकन खाने के लिए, तो बहुत ही एक्साइटेड है। हो सकता है तो लंच भी वो बोले ना कि लोकल फूड ही सर्व कर, पूरा लंच डिनर इनका पूरा लोकल फूड ही है, कुछ ऐसा फैंसी वाला नहीं है। और हो सकता है तो मैं ये दिखाने की कोशिश करूँगा कि बाम्बू चिकन बनता कैसे है, अगर हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी शायद उनका लंच आज का हो चुका है, क्योंकि ये लंच हमने इंक्लूड नहीं किया था, क्योंकि आज थोड़ा प्लान में डेविएशन हुआ है और प्रेसिडेंट आ रहे हैं, तो वो काजीरंगा का जो सेंट्रल व्यू है वो एंट्रेंस है वो बंद है,
तो सोच रहे आज काजीरंगा नेशनल पार्क नहीं जाएंगे, आज लंच यहीं पकड़ेंगे, सिर्फ वाटरफॉल जाके आ जाएंगे। तो अभी चलते हैं वाटरफॉल, वाटरफॉल सब रिटर्न होंगे तो आपको पूरा दिखाएंगे कि वहाँ का प्रॉपर्टी का कैसा है, कैसे बना के रखा है। और बालुकजुरी वाटरफॉल के एंट्रेंस, और हम यहाँ पे रख चुके हैं गाड़ी और हमारा समिति यहाँ पे रेडी। तो चलिए यहाँ से 400 मीटर है बस। हाँ यहाँ से 400 मीटर तो हम गाड़ी यहाँ पे रख के चल के जाएंगे, क्योंकि पता नहीं अंदर तक गाड़ी जाती है या नहीं, क्यों बेकार में रिस्क लेना है। और वाटरफॉल जाने का रास्ता देखिए कितना सुंदर है, पूरा टी स्टेट के बीच में ही है। आई थिंक ये एक पेडी फील्ड है, कल्टीवेशन लैंड, एंड दिस साइड ये पूरा टी स्टेट है। यहाँ पे उस तरफ मस्त सा रोड है। हम ऑलमोस्ट पहुँच गए वाटरफॉल के पास, और उससे जाने से पहले आप सिर्फ इसका सराउंडिंग देखिए। ओ माय गॉड, आप पूरा दिन क्या रात क्या हफ्ता बिता सकते हो। इट्स लाइक वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस कैंपिंग के लिए, नॉर्मल आके सुबह शाम कोई भी टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ मेरा भी वही कहना है, यहाँ पर आप कभी भी आके बैठ सकते हो। वहाँ पर जो ऊपर एक जगह है, वहाँ पर आपको शायद एक बाइक दिख रही होगी, वहाँ पर अगर सुबह 6 बजे 7 बजे आप आके बैठोगे ना, एकदम 2-3 घंटे से आराम से बिता सकते हो, क्योंकि धूप तेज तो है नहीं और ठंडी हवा बह रही है, टी स्टेट दोनों तरफ है, बहुत ही अच्छा नज़ारा यहाँ पर मिलने वाला है। तो अभी हम जा रहे हैं वहाँ पर देखने के लिए, देखते हैं नज़दीक से वाटरफॉल कैसे दिखता है ये वाला। यहाँ से आपको दिखेगा, देखिए वो स्विंग वहाँ से ऐसे होके नीचे आ रहा है, तो हम इस रोड पे ऊपर जाएंगे, जैसे दो लोग आ भी रहे हैं तो मज़ा आएगा। सबसे बेस्ट पार्ट ये है एयरटेल 4G नेटवर्क पूरा पकड़ता है। हाँ यहाँ पे हाँ देखो ओ। तो आप यहाँ पर ऑफिस का काम भी कर सकते हो। मस्त है, अभी इतना फ्लो नहीं है, वो है आई एम नॉट श्योर दिख रहा है या नहीं, थोड़ा पास जाते हैं उसके बाद दिखाती हूँ। बट सोचो रेनी सीजन में कितना अच्छा दिखेगा, ये मस्त सा है। वाटरफॉल से तो मुझे जगह बहुत प्यारी लगी, थोड़ा डिफिकल्टी है, थोड़ा बहुत थोड़ा सा चुन्नू सा डिफिकल्टी है। प्रॉपर शू पहन के आ जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम आपको वाटरफॉल दिखा दिए और अभी हम एंजॉय करेंगे, आराम से सुकून से थोड़ा बैठेंगे और सुमित थोड़ा अपना फोटोग्राफी करेगा। तो अभी के लिए टेम्परेरली कैमरा बंद। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर हाफ एन आवर हो गया और मेरे पीछे ये वाटरफॉल देखिए, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अगर आप काजीरंगा आ रहे हो तो ये वाटरफॉल ज़रूर विज़िट कीजिए, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको भी। अगर रेनी सीजन के टाइम पे आप आ रहे हो तो ये और भी ज़्यादा पानी होगा। हम यहाँ पर आधे घंटे से ज़्यादा बैठे थे, हमें और भी बैठने का मन है, लेकिन क्या है कि भूख भी लग रही है। और जैसे मोइना ने कहा कि वो बाम्बू चिकन बनाए, तो मैं सोचा कि बाम्बू चिकन भी दिमाग में चल रहा है। तो अभी हम यहाँ से निकलते हैं, चलते हैं अपने कैंप सेट के और वहां पर आपको कैंपिंग लोकेशन दिखाते हैं। चलिए मैं आइटम बता देती हूँ, ये है राइस, ये बारबेक्यू चिकन, ये कैबेज और बीन्स बॉयल, ये बैम्बू शूट का चटनी कुछ, और ये है ब्रिंजल चटनी, टमाटर चटनी, बैम्बू चिकन और
ये इसको बोलते हैं खार, ये बन रहा है पम्पकिन और कुछ ग्रीन लीफी वेजिटेबल के साथ ये दाल। तो ये है पूरा लंच बुफे हमारा, मस्त दिख रहा है। नाउ इट्स टाइम टू डिग इन। खाओ। तो दोस्तों लंच हो गया, आपने देखा यहाँ का लोकल खाना इतना टेस्टी था, मतलब क्या बताया, और कोई भी आइटम में ऑयल नहीं था, नॉट इवन ए सिंगल ड्रॉप। हाँ, जीरो ऑयल, जीरो ऑयल खाना। तो हेल्थ कॉन्शियस लोगों, आप इधर आके आ सकते हो। और ये पूरा जो खाना सर्व किए थे वो कर्बी लोकल फूड है। हाँ, तो और हम जो खाए खार वो एक डिफरेंट था। पहले कभी खाए नहीं, बाकी थे। सब हमने पहले टेस्ट किया है और अच्छा भी लगता है। ऑनेस्टली बोलेंगे तो आपको टेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। हाँ, ये खाने के लिए, क्योंकि सबको एक तेल मसाले की आदत है इसमें। हाँ, सिर्फ और मतलब कोई कोई इसमें तो सॉल्ट भी नहीं है, जो वो कैबेज और बीन्स का था उसमें सॉल्ट नहीं था। और आपको बैम्बू शूट का वो टेस्ट डेवलप करना पड़ेगा, लेकिन हमें पसंद है तो हमें बहुत ही पसंद आया। और हम पहले खाए भी है इस टाइप के खाने, तो हमें अच्छा लगता है। ओ बाप रे, अभी तो मुझे नींद आ रही है, लेकिन घूमने का भी मन है, तो चलिए। खाने से ज्यादा है कि जहाँ खाए बहुत जगह बहुत। ओ माय गॉड, लेक साइड में आप बैठ के खा रहे हो, बतख घूम रहे सामने पानी में, बहुत मजा आ रहा है। तो अभी बहुत ही एक्साइटमेंट होने वाला, जब तक इवनिंग होगा यहाँ पर कैंप फायर और स्टार्टर्स बनने वाले हैं। और अभी हम जा रहे हैं डायरेक्टली आपको ऑर्किड में। चलिए, अभी हम आके पहुंच गए ऑर्किड, और ये मार्केट है। ऑर्किड के पहले ही आता है कारी पार्क, हमने कर दिया है, वो शायद 20 रुपए लेते कार का, और हम चल के आगे जा रहे हैं। मार्केट आने के टाइम पे दिखाएंगे, क्योंकि हम भी मार्केट उसी टाइम पे देखेंगे, अभी अंदर जाते हैं। तो आप भी अभी हमारे साथ अभी अंदर चलो। कौन सा टिकट काउंटर? ओहो सॉरी, हम टिकट लेना भूल गए, अभी जाएंगे टिकट लाने के लिए। क्या सुमित, टिकट खरीदते नहीं हो? मुझे भी पता नहीं था ना टिकट लगता है। तो ऐसे कैसे बिना टिकट के अंदर जाएंगे? ठीक है, अभी जा रहे हैं ना टिकट करवाने के लिए। ये टिकट का कॉस्ट चार्ट है। ओके, डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं, इट इज़ गुड। और टिकट का कॉस्ट है 130 इंडिविजुअल, तो दो टिकट का 260 रुपीस। एंड दे एक्सेप्ट फोन पे आल्सो। वो येलो टिकट कौन सा है? येलो टिकट, येलो दे और बुकिंग इंडिविजुअल ग्रुप वाला येलो टिकट, इंडिविजुअल ग्रुप इंडिविजुअल। हाँ, ओके। ग्रुप का कॉस्ट है ना पर मोर देन 3 होते तो 100 रुपीस। हाँ, हाँ। इसीलिए और एक को लेके आना चाहिए था सुमित, बच जाते पैसे। अरे कितना मतलब वेल मेंटेन्ड है ये, देखो। हाँ तो सही। नेशनल म्यूजियम है और साथ ही में ये सेकंड पॉइंट ऑर्किड के, और ये सब पहले मतलब कपड़ों पे कलर करने के लिए इसको यूज़ किया जाता था। बहुत ही आनंद मिलेगा। Baby, he need more.
इसका नाम क्या है? तिल पीठा। ओ तिल है, ब्लैक तिल। हो गया ऑर्किड पार्क घूमना, और पार्क बहुत अच्छा लगा हमें। अगर असमिस कल्चर के बारे में जानना है तो मस्ट विजिट प्लेस है, और अच्छे से एक हाफ डे आप घूम सकते हो। हम तो 2-3 घंटा में ही आ गए, क्योंकि दिन भर थोड़ा बहुत घूमे हैं, थोड़ा रेस्ट चाहिए, और अभी तक हम टेंट में अपना सामान भी फिक्स नहीं किए हैं। तो जाएंगे, थोड़ा अपना रिजॉर्ट भी एंजॉय करना चाहते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे। और हम थोड़े बहुत सोविनियर्स खरीदे, और ये भी मैं खरीदी जो मैं पहन चुकी हूँ। सुमित क्यों बात नहीं कर रहा है पता है? क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि मैं पान खा रहा हूँ, मीठा पान। ये पूरा ट्रिप में सुमित अनलिमिटेड पान और अनलिमिटेड पान है। ये तीसरा पान है, तीसरा या फोर्थ? तीसरा, ठीक है। 3 पान खा चुके हैं और अनलिमिटेड चाय। वो बोलो अनलिमिटेड नहीं है, दिन भर चाय पीता रहता है। और अअभी टाइम हो रहा है 4:30, हम ऑलमोस्ट 2.5 आवर स्पेंड किए, और जो इनका नेक्स्ट प्रोग्राम है कल्चरल प्रोग्राम, सब कुछ 6:30 को स्टार्ट होगा फिर से। तो हमें लगा कि अभी 6:30 तक वहाँ पे रुक सकते थे, पर मन किया कि नहीं, कैंप साइट में भी थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, तो इसीलिए हम जा रहे हैं कैंप साइट पे। तो चलिए डायरेक्टली हम कैंप साइट पे मिलते हैं। अभी हम पहुंच गए हमारे कैंप पे वापस, गाड़ी पार्क हो चुकी है, और अभी शाम के 5 बजे, आप देख रहे हैं कितने अंधेरा हो गया है। और अभी अब हमारे टेंट की तरफ चल रहे हैं आगे, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं पूरा कितनी तरफ, दोनों तरफ कितने सारे टेंट हैं, इधर इधर इधर। और सुमित हमारे टेंट का नाम है हॉर्नबिल। ओके, अच्छा है। अभी मैं देख के आई। और यहाँ पर भी देखिए
यहाँ पर कुछ और भी है, ये हम सुबह एक्सप्लोर करेंगे, अगर टाइम होगा तो अभी एक्सप्लोर करेंगे, नहीं तो फिलहाल के लिए अपने टेंट की तरफ हम चलते हैं। बहुत ही खूबसूरत है ये, और ये है हमारा टेंट। रश्मिता चढ़ने की कोशिश कर रही है, क्या हुआ? बहुत सारी चीज़ें हाथ में। और हमारे टेंट का नाम हॉर्नबिल है। हो गया? ओह वाओ, अच्छा दिख रहा है। चलो अब हम भी चढ़ते हैं, हम भी चढ़ते हैं, इसको पकड़ लो। ये एक पहला एक्सपीरियंस है जो हम टी स्टेट के अंदर ऐसा चढ़ के टेंट के ऊपर जा रहे हैं। और ये रहा हमारा टेंट, और ये एक रात के लिए अभी हमारा है ये एरिया पूरा। और वो सामने का नज़ारा देखिए, सुबह बहुत ही अच्छा नज़ारा दिखने वाला है इधर। ये पूरा एक हिल है और ऊपर से ये चारों तरफ का टेंट, कितने सारे टेंट्स हैं। तो चलिए इसको खोलो, देखते हैं अंदर का कैसा है। अरे हाँ, लाइट भी जल गई। हाँ एक्चुअली बेड और तकिया ऑलरेडी सेट है। हाँ ये देखिए, तकिया बेड वगैरह सब सेट है। अभी नहीं खोलते नहीं तो मच्छर चली जाएगी। बैग तो रख देंगे। हाँ बैग रख देंगे, हाँ बस बैग रख देंगे। तो चलिए हम थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे बाद में। दोस्तों अभी हम फ्रेश हो गए और अभी आ गए हम अपना कैंप साइट के कैंप फायर के लोकेशन पे। हम दोनों अभी बैठ गए हैं और अश्मिता यहाँ पर है। हम दोनों अभी कैंप फायर का मज़ा ले रहे हैं, आप भी हमारे साथ मज़ा लीजिए। हम अभी चिकन और कुछ चना ऑर्डर किए हैं और बैठेंगे थोड़ी देर। ये जो हिल का साइड में आप लोग जो सुबह देखा था, बहुत ही अमेजिंग लोकेशन है और बहुत ही मज़ा आ रहा है। तो आप भी हमारे साथ ये एंजॉय कीजिए, होपफुली आप भी बोर नहीं होंगे। और आ गया हमारा चना मसाला, ये देखिए बॉयल चना मसाला, सोक चना है ये। बॉयल हेल्दी खाना खाओगे, एकदम हेल्दी खाना, एक्चुअली टेस्टी भी है। तो चलिए अभी चिकन का वेट करते हैं, चिकन आने वाला है। चिकन चिकन पकोड़ा, राइट? क्या बोल रहे थे? अच्छा रश्मिता ने ऑर्डर दिया, उसको खुद याद नहीं क्या ऑर्डर दिया, पता नहीं चिकन ही आएगा ना, होपफुली चिकन ही आएगा। दोस्तों खाने के बाद पता चलेगा, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। अरे नहीं, मैं बोली जो भी चिकन का आइटम है भेज दीजिए, उसमें तीन था, चिकन पकौड़ा, चिकन फ्राई एंड चिकन बैम्बो। वो एक चिकन ही भेज देंगे, जो करना करो कैंपर में। क्या आएगा वो देखते हैं बाद में, दैट्स अ सीक्रेट, आने के बाद आपको बताते हैं। आपको भी पसंद आया होगा, इफ सो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग फॉर वॉचिंग सेम काइंड ऑफ वीडियो, लाइक कमेंट एंड शेयर, एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय।